Assalamu alaikum viewers, welcome to Study UPK. In this video lecture, I am going to discuss about the assistant director paper which was held on 6th June. So without wasting any time, shuru karte hain aaj ka lecture. First question is history of class struggle. So ye question complete nahi mila. Basically it's posed by the Karl Marx. So the complete core is history of all previous societies has been a history of class struggles. So it's a core by the कार्ल मैक्स. सो इसका राइट आंसर ये था कार्ल मैक्स. नेक्स्ट इज दी मंजोसा लेक कहाँ पे लोकेटेड है. तो मंजोसा लेक इज़ लोकेटेड आज़ाद जम्मू कश्मीर. सो रावला कोट ये पूंछ डिस्ट्रिक्ट है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, ये यहाँ पे लोकेटेड है. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लेक मंजोसा लेक. सो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में ये लोकेटेड है. नेक्स्ट इज हु वाज मोहम्मद अल सतबारा. सो इसका आंसर आई थिंक सबको ही पता होगा, ही वाज अ माउंटेनियर. सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, मेमोरी रिफ्रेश कर लेते हैं. ही वाज पार्ट ऑफ द टीम दैट सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट विंटर एसेंट टू द समिट ऑफ नांगा पर्वत इन 2016. सो ये कितनी देर के लिए मिसिंग रहे, 3 months and 24 days, एंड ऑफिशली प्रज्यूम डेड एट केटू बोटलनेक ऑन 18th February 2021. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आप लाजमी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इज दी मैन बोर्न फ्री, ये कोट है, ये किसकी है, जे जे रूसफ. इसका राइट आंसर था मैन इज बोर्न फ्री बट येट सॉरी एवरीवेयर ही इज इन चेंज. सो ये किसने कही थी, जे जे रूसफ. इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज दी हु इज करंटली द फॉरन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, मोहम्मद हनीफ अमतर इज करंटली the foreign minister of Afghanistan since 4th April 2020. Next question, CICAS secret agreement कब साइन हुआ, ये 1916 में हुआ था, 16th May 1916 ये साइन हुआ था. इट्स बेसिकली सीक्रेट एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रांस, जो कि ये था कि बाय विच मोस्ट ऑफ द इन काफ़ी जो या वर्ल्ड वार वन ख़त्म होगी तो तब जो अरेब लैंड्स हैं अंडर द रूल ऑफ ऑटोमन पर आर डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड फ्रेंच स्पेयर्स. सो इस एग्रीमेंट सीक्रेट एग्रीमेंट ये कब साइन हुआ था, 16th May 1916. नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा समिट कब हुई थी, ये हुई थी 2001 में 14th-16th July. उस वक्त जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे. अटल बिहारी वाजपेयी इनके दरमियान में हुई थी बट ये कोलैप्स हो गई थी, सक्सेसफुल नहीं हुई थी. 2001 में ये आगरा समिट हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा सिटी वाज फाउंडेड बाय द सिकंदर लोदी, ने ये फाउंड की थी सिकंदर लोदी, जो मुस्लिम रूलर थे दारुल सल्तनत के, 1504 में ये फाउंड हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 years बैक साइन बिटवीन ईरान एंड चाइना के दरमियान में ये साइन हुआ है, 27th March 2021 ये डेट थी, बिटवीन ईरान एंड चाइना ये 25 year कोऑपरेशन एग्रीमेंट है जो साइन हुआ है. सो इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल क्या कहते हैं एग्रीमेंट सामने नहीं आया बट ये साइन हो गया, ये अभी ये नहीं पता इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं. नेक्स्ट इज दी ग्वादर टू काशगढ़ डिस्टेंस कितना है, सो 2033 किलोमीटर है ग्वादर टू काशगढ़ डिस्टेंस, इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास स्टेट इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में कब ऐड हुई, सो ये ऐड हुई 27th March 1948. ये बलोचिस्तान में लोकेटेड है क्लास स्टेट, ये पहले एक प्रिंसली स्टेट थी अंडर द ब्रिटिश राज, इट वाज ब्रीफली इंडिपेंडेंट या 12th August 1947 से 27th मार्च 1948 तक ये इंडिपेंडेंट स्टेट रही, उसके बाद ये 27th मार्च 1948 को ये पाकिस्तान में ऐड हुई. सो क्लास स्टेट इन पाकिस्तान वाज एडेड इन 27th मार्च 1948. नेक्स्ट, लाइव स्टॉक शेयर टू GDP कितना है, 11.6%, ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इज द ऑस्ट्रिच बर्ड, सो ये इसका राइट ऑप्शन था, ये ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन ऑप्शन जो वहाँ करेक्ट होगा वो नन ऑफ दीज होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टाइल क्रिसेंट रीजन कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये मिडल ईस्ट में लोकेटेड है, फर्टाइल क्रिसेंट रीजन इस रीजन इज लोकेटेड इन मिडल ईस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेजो ने
कब चार्ज लिया एज अ प्राइम मिनिस्टर? सो 1985 इसका राइट आंसर है, मेजर कुक चार्ज एज पीएम इन 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ए रहमान डाइड इन विच डेट? सो ऑन विच डेट? सो 12th अप्रैल 2021। यस सर राइट आंसर था 12th अप्रैल 2021। वे जर्नलिस्ट थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, करतारपुर कॉरिडोर कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में है? सो ये नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में है, नारोवाल डिस्ट्रिक्ट इसका राइट ऑप्शन था। ये इसकी ओपनिंग कब हुई थी? करतारपुर कॉरिडोर थी 9th नवंबर 2019 बाय द इमरान खान। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा गुरु नानक होली साइट फॉर द सिख कम्युनिटी? सो सिख कम्युनिटी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसराइल ऑक्यूपाइड द ईस्ट जेरूसलम कब ऑक्यूपाई किया? 1967 में किया। ये 60 वार हुई थी, अरब इसराइल वार जिसे कहते हैं। सो उसके बाद इन्होंने जो ईस्ट जेरूसलम था उस पर कब्जा कर लिया। सो 1967 इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंगोलन इलीगल ट्रेड एक्सटिंक्ट स्पीशीज है ये, इसकी इलीगल ट्रेड कितने परसेंट है? 80%। सो इलीगल ट्रेड अराउंड 80% इसका राइट आंसर है। कंट्री बैंड टू यूज ऑफ सोशल मीडिया? सो ये ईरान ये इसका राइट ऑप्शन था, बट आई एम नॉट श्योर। अगर आपको पता है तो लाजमी कमेंट मेंशन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास कनेक्ट पाकिस्तान एंड चाइना को कौन सा पास कनेक्ट करता है? वो पंजराब पास था, ये ऑप्शन में नहीं था। जो वहाँ जो राइट आंसर था वो नन ऑफ दीज था होगा, सॉरी। सो नन ऑफ दीज उसका राइट आंसर होगा, पंजराब पास करता है पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके दरमियान हुई थी? अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास के दरमियान, जो अहमद शाह अब्दाली ने वॉन की थी। सो 1761 में ये पानी के बैटल हुई थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूरल लाइन बिटवीन दी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान में है ब्यूरल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th जुलाई इंडिपेंडेंस एक्ट पास बाय द विच पार्लियामेंट? सो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था 18th जुलाई इंडिपेंडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइबेरियन पेनिनसुला कहाँ पर लोकेटेड है? सो ये यूरोप में लोकेटेड है, आइबेरियन पेनिनसुला इज अ पार्ट ऑफ यूरोप, इट्स लोकेटेड इन यूरोप। नेक्स्ट इज द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान में कौन सा कंट्री है? तो इंडिया है, ईस्टर्न ईस्टर्न जो पार्ट ऑफ पाकिस्तान का वहाँ पे इंडिया लोकेटेड है। नेक्स्ट इज द रन ऑफ कूच, सो रन ऑफ कूच इज अ बॉर्डर जस्ट कनेक्ट इंडिया एंड पाकिस्तान। ये सिंध है पाकिस्तान का जो पार्ट है, इंडिया का जो पार्ट गुजरात है, तो ये इन दोनों को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियान के टोटल मेंबर्स कितने हैं? ये टोटल 10 मेंबर्स हैं। ये 16 के पेपर में सवाल पूछा गया और इस पेपर में भी पूछा गया। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा, ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस कनाल कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये इजिप्ट में लोकेटेड है, स्विस कनाल इज लोकेटेड इन इजिप्ट, कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी। सो नेक्स्ट इज द वर्ल्ड वार वन स्टार्टेड कब हुई? ये स्टार्ट हुई थी 28th जुलाई 1914 में स्टार्ट हुई और 11th नवंबर 1918 में ये ख़त्म हुई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्ट डिपॉजिट्स इन फेवरा कितने परसेंट हैं? सो 6.5 बिलियन टन डिपॉजिट्स हैं साल्ट से फेवरा माइन में। सो 6.5 बिलियन टन इसका राइट ऑप्शन था। नील ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? इंडस रिवर, नील ऑफ पाकिस्तान कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनुअल यूजेज ऑफ शुगर पर कैपिटा कितनी है पाकिस्तान में? तो 25 kg है, 25 kg एनुअल यूजेज ऑफ शुगर पर कैपिटा। नेक्स्ट इज द रिकोडिक जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे लोकेटेड है? सो ये बलोचिस्तान में, जो चाली डिस्ट्रिक्ट है बलोचिस्तान का। सो इसका इसमें कॉपर एंड गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ डैश यू एंड मी, सो इट्स अ प्रीपोजिशन, इट इज़ बिटवीन यू एंड मी आएगा यहाँ पे, बिटवीन यू एंड मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ वॉकिंग डैश द रोड, सो ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, ये अलॉन्ग आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचुएशन मार्क फॉर प्रीपोजिशन कौन सा होगा? सो कॉमा होगा, कॉमा इसका राइट ऑप्शन था। सो
अगर फोर वर्ड है सेंस में तो वहाँ पे कॉमा लगाना ऑप्शनल है, अगर फोर से ज़्यादा है फिर वहाँ पे कॉमा लगाएंगे, पंक्चुएशन मार्क फॉर दी प्रपोजिशन। नेक्स्ट इज दी पार्क फ्लैग कलर रिप्रेजेंट्स, सो ग्रीन कलर इज बेसिकली रिप्रेजेंट इस्लाम, वाइट फॉर माइनॉरिटी, ग्रीन साइन फॉर प्रोग्रेस एंड स्टार फॉर सिंबल ऑफ दी लाइट। सो दीज आर फोर पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट इज दी टिम कुक कौन है, ये सीईओ हैं एप्पल के सिंस 2011। सो टिम कुक वाज इज अ सीईओ ऑफ दी एप्पल। नेक्स्ट इज दी लेबर डे, जो अभी जो 1 मई से लेबर डे कौन सा था, ये 135th लेबर डे था 2021 का, जब था जो फर्स्ट लेबर डे कब हुआ, ये 1886 से मनाया जा रहा है आफ्टर दिस शिकागो इंसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th सेशन ऑफ यूएन जनरल असम्बली कब हुआ, ये 15 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, 15 सितंबर 2020। सो नेक्स्ट इज विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, सो टाटो इसका राइट आंसर था। सो ये कुछ क्वेश्चन मुझे मिले थे, इसमें से जो क्वेश्चन रह गए हैं इंशाल्लाह मैं अगर मिलते हैं तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।